हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी 2023 में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं कंप्लीट हो चुकी हैं और कक्षा 11 की जो परीक्षाएं हैं वो अभी स्टार्ट होने वाली हैं। तो जो कक्षा 11 के स्टूडेंट अभी परीक्षाएं पास करने के बाद कक्षा 12 में एंटर करेंगे और 2024 में जो बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं, उन सभी के लिए आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस होता है, उस सिलेबस में से राजस्थान बोर्ड ने कुछ पाठ्यक्रम आपका रिड्यूस कर दिया है, हटा दिया है। यानी जो 2023 की बोर्ड परीक्षा में बच्चों के लिए जो सिलेबस था, उसकी तुलना में कुछ सिलेबस कम हो जाएगा और उस घटे हुए सिलेबस में से आपका 2024 में पेपर बनने वाला है। तो कक्षा 12 की फिजिक्स में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं, उनके ऊपर आज की इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपका पहला चैप्टर लिखा गया है, चैप्टर नंबर 1, विद्युत आवेश और क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें से पेज नंबर जो आपकी एनसीईआरटी की जो 2023 के पाठ्यक्रम के लिए बुक थी, उसके पेज नंबर 2 और 7 के ऊपर और 47 से लेकर के 50 के ऊपर जो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, ये सब हटा दिए गए हैं। तो पहला है विद्युत आवेश, केवल कागज की पट्टियों का क्रियाकलाप और विद्युतदर्शी के द्वारा बनाना, और उसे हटा दिया गया है। यानी कुल मिलाकर के जो आपका विद्युतदर्शी का जो इंस्ट्रूमेंट है या जो प्रयोग है पहले चैप्टर में, वो यहाँ से कंप्लीटली हटा दिया गया है। दूसरा, चालक और जो कुचालक हैं, इंसुलेटर्स हैं, केवल भू संपर्क की संकल्पना को यहाँ से हटा दिया गया है। उसके बाद में आवेशन की कुछ विधियाँ हैं, तीन तरह की विधियाँ हैं, चालन के द्वारा, घर्षण के द्वारा और प्रेरण के द्वारा। तो उसमें से जो प्रेरण के द्वारा आवेशन है, ये वाला पॉइंट भी अब इस सिलेबस में से हटा दिया गया है। तो आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा की दृष्टि से आपको ये वाले पॉइंट्स हैं वो छोड़ देने हैं। इसके बाद में चैप्टर नंबर 1 में एग्जाम्पल नंबर 13, 25 और 25 से लेकर के टोटल 34 तक के सारे एग्जाम्पल जो हैं वो यहाँ से हटा दिए गए हैं। तो ये जो पॉइंट्स यहाँ से रिड्यूस किए गए हैं, वो आप अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर अच्छी तरह से हाईलाइट कर लेना या फिर रेड पेन के द्वारा आप इन्हें क्रॉस कर देना। इसके बाद में आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, उसमें से संधारित्र के अंदर संचित एनर्जी, यानी एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर जो संचित ऊर्जा होती है, उसको यहाँ से केवल व्युत्पत्ति को यहाँ से हटा दिया गया है। यानी इसका जो मैथमेटिकल प्रूफ है कि एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, उस पूरे के पूरे मैथमेटिकल पार्ट को यहाँ से हटा दिया गया है। और साथ में 12 से लेकर के 36 नंबर तक के जो एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, उनको भी यहाँ से हटा दिया गया है। इसके बाद में आपका चैप्टर नंबर जो 3 है, चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर है। इसमें से विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता यानी जो रेजिस्टिविटी है, जो केवल सारणी नंबर 3.1 और 3.2 है, उसके बाद में कार्बन के जो प्रतिरोध हैं, वर्ण कोड प्रतिरोधक को भी यहाँ से हटा दिया गया है। कलर कोडिंग का जो एक चैप्टर टॉपिक होता है, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है और अक्सर बोर्ड परीक्षा में यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न पूछा ही जाता है, इस टॉपिक को भी यहाँ से, यानी जो कलर कोडिंग, प्रतिरोधों के कलर कोडिंग का जो पॉइंट है, वो भी यहाँ से हटा दिया गया है। उसके बाद में प्रतिरोधों का जो संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें श्रेणी संयोजन और समांतर पार्श्व क्रम संयोजन है, इस पॉइंट को भी यहाँ से हटा दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 3.5 को भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। और बहुत बड़ा परिवर्तन जो है, इस चैप्टर का सबसे बड़ा परिवर्तन, वो आपका मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, इन दोनों को यहाँ से हटा दिया गया है। एक्चुअली ये दोनों पॉइंट जो हैं वो आपके 12th के प्रैक्टिकल एग्जाम में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। इन्हीं में से एक बड़ा एक्सपेरिमेंट आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाता था, ये दोनों पॉइंट जो हैं वो यहाँ से हटा दिए गए हैं। साथ में एग्जाम्पल नंबर 3.3, 3.4, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 12 और 14 नंबर से लेकर के 23 नंबर तक के सारे एग्जाम्पल्स को यहाँ से हटा दिया गया है। हम बात कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा 2023-24 के सेशन की, यानी जो 2024 में बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं, उनका जो हटाया गया सिलेबस है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। इसके बाद में आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, गतिमान आवेश यानी मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व,
इसमें से सारणी नंबर 4.1 को हटा दिया गया है, वेग वर्णकर्ता, साइक्लोट्रॉन एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है इसको भी यहां से रिमूव कर दिया गया है, टोरॉइड को भी यहां से रिमूव कर दिया गया है, और एक और महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हमारा परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जो आपका इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों तरफ किसी निश्चित कक्षा में परिक्रमा करता है, कक्षीय गति करता है, उस इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंटम है, मोमेंट जो है उसको यहां से रिमूव कर दिया गया है, और साथ में एग्जांपल नंबर 14 से लेकर के 28 तक के सारे एग्जांपल्स को भी यहां से हटा दिया गया है। तो ये जो पीडीएफ है वो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स का पूरा सिलेबस आपको हमारे चैनल के ऊपर पुराने वीडियोस में मिल जाएगा, और अभी जब जुलाई के अंदर नया सेशन शुरू होगा उस समय हम ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स का जो नया अपडेटेड सिलेबस है, जो नवीनतम पाठ्यक्रम है, उसके अकॉर्डिंग हिंदी में हाथ से लिखे हुए नोट्स के साथ आपको पूरा पाठ्यक्रम जो है वो दोबारा भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके बाद में हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल जो है, इसमें से छड़ चुंबक एक धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार करता है, इसका केवल गणितीय भाग को हटाया गया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में डाइपोल केवल गणितीय भाग को यहां से हटाया गया है, एग्जाम्पल नंबर 4, उसके बाद में भू चुंबकत्व एक बहुत बड़ा पॉइंट जो यहां पे होता है इसको भी यहां से हटा दिया गया है, चुंबकीय दिक्पात एवं नतिकोण दोनों पॉइंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इनको भी यहां से रिमूव कर दिया गया है, सारणी नंबर 5.3 को यहां से हटा दिया गया है। इसके बाद में चुंबकीय पदार्थों का जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण में अनुचुंबकत्व केवल क्यूरी ताप का जो नियम है उसको हटाया गया है, लोह चुंबकत्व केवल क्यूरी ताप और चुंबकीय शैथिल्य को हटाया गया है, यानी जो BH वक्र हम पढ़ते हैं उसको यहां से रिमूव कर दिया गया है, स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक यानी जो परमानेंट मैग्नेट है और इलेक्ट्रिक मैग्नेट है उन दोनों को यहां से हटा दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 9 से लेकर के 11 और 13 से लेकर के 25 तक के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी यहां से हटा दिया गया है। जो बच्चे अभी 2023 में परीक्षा दे चुके हैं वो जब इस वीडियो को देखेंगे तो उनको बहुत ही अजीब लगेगा कि यार ये सब चीज़ें तो हमने पढ़ ली है, लेकिन आप लोगों के भविष्य के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपने ये पूरा पाठ्यक्रम पढ़ा है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि जो भी स्टूडेंट 2024 के एग्जाम में बैठेंगे उनको भी ये पाठ्यक्रम पढ़ना जरूर चाहिए। चैप्टर नंबर 6 है विद्युत चुंबक की प्रेरण, इसमें ऊर्जा दृष्टि एक परिमाणात्मक अध्ययन जो है वो आपको यहाँ से हटा दिया गया है, भंवर धाराएं जो है उनको हटा दिया गया है, भंवर धाराओं का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, एग्जाम्पल नंबर 6 और 10 से लेकर के 17 तक के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद में अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट, जो बच्चों को अक्सर परेशान करता है, बड़ा कठिन फील होता है, इस वाले चैप्टर में भी काफ़ी संशोधन किया गया है, किसी प्रेरक का चुंबकन और विचुंबकन यानी जो कोई कुंडली है इस कुंडली को जब अपन किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं तो ये चुंबकित हो जाती है और विचुंबकित हो जाती है, ये पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ से हटा दिया गया है। एक संधारित्र जो है, कैपेसिटर जो है, उसका आवेशन और निरावेशन, उसको केवल चार्जिंग की प्रोसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है, मैथमेटिकल प्रोसेस आपके सिलेबस में अब भी रखा गया है। इसके बाद में LCR सर्किट के अंदर जो विश्लेषणात्मक हल होता है, गणितीय सम होता है, मैथमेटिकल एनालिसिस जो होता है उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, अनुनाद रेजोनेंस की जो स्थिति है उसमें केवल अनुनाद की तीक्ष्णता को कम कर दिया गया है, LC ऑसिलेटर, LC दोलित्र को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, और एग्जाम्पल नंबर 6, 8, 10, 12 से लेकर के 26 तक के एग्जाम्पल्स को भी यहाँ से हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 8 की यदि अपन बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, विद्युत चुंबकीय तरंगें, उनमें उदाहरण नंबर 1 हटाया गया है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति केवल इथर की परिकल्पना, और पृष्ठ संख्या 277 के ऊपर जो दिया गया है उस पार्ट को यहां से हटाया गया है, उदाहरण नंबर 4 और 5 और 11 से लेकर के 15 तक के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी यहां से रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद में चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र, जो आप कक्षा 10 के अंदर ऑप्टिक्स पढ़ के आते हो, उसमें से अपवर्तन केवल वास्तविक समय में सूर्योदय से और सूर्योदय वास्तविक समय के पश्चात सूर्यास्त को हटाया गया है, ठीक है,
उसके बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन में मरीचिका को हटाया गया है, डायमंड हीरा को यहाँ से हटाया गया है, सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो हैं, नेचुरल प्रोसेस जो हैं, उनको यहाँ से हटा दिया गया है, इंद्रधनुष रेनबो को यहाँ से हटा दिया गया है, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रकाश का प्रकीर्णन को हटा दिया गया है, और एग्जाम्पल नंबर 18 को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो ये बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करने के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन सभी पॉइंट्स को आपको थोड़ा सा कम तरीके से पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 जो है उसमें से भी काफ़ी बड़ा परिवर्तन किया गया है। पहला है डॉपलर इफेक्ट, एग्जाम्पल नंबर 1 को रिमूव किया गया है। प्रकाश तरंगों का वेतीकरण तथा यंग का प्रयोग केवल अदीप्त और दीप्त फ्रिंजों के व्यंजक को रखा गया है और उनकी व्युत्पत्ति को हटाया गया है, यानी कि केवल अदीप्त फ्रिंज और दीप्त फ्रिंज का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को रखा गया है, केवल फॉर्मूले को रखा गया है, उसकी जो गणना है कैलकुलेशन है उसको हटा दिया गया है। फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना जो है उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। विवर्तन केवल गुणात्मक अध्ययन को रखा गया है, बाकी शेष पार्ट यहाँ से हटा दिया गया है। विवर्तन की जो कहानी है इसमें आपको विवर्तन की परिभाषा, विवर्तन के कारण, विवर्तन के प्रकार, इन सबको रखा गया है। उसके बाद में प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता, यानी जिसमें सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की विभेदन क्षमता हम पढ़ते हैं, उनको हटाया गया है। किरण प्रकाशी की वैधता को भी हटा दिया गया है, और प्रकीर्णन के द्वारा जो पोलराइजेशन है, ध्रुवण है, उस पूरी प्रोसेस को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। साथ ही साथ इस चैप्टर में परावर्तन के द्वारा ध्रुवण, यानी प्रकीर्णन के द्वारा ध्रुवण है और परावर्तन के द्वारा ध्रुवण है, इन दोनों मेथड को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। टोटल 5 मेथड के द्वारा पोलराइजेशन किया जाता है, उनमें से 2 पॉइंट्स को हटा दिया गया है और 3 पॉइंट्स जो है वो अब भी आपके सिलेबस में रखे गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 से लेकर के 21 तक के सारे एग्जाम्पल्स को भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगला जो चैप्टर नंबर आपका 11 है, जिसमें विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति, यानी ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट जो है, उसमें से सारणी नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 3 द्रव्य की तरंग प्रकृति केवल एक त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की व्युत्पत्ति को और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को हटाया गया है। डी ब्रोगली का जो लैम्डा होता है, वेवलेंथ होता है, उसका पूरा मैथमेटिकल प्रोसेस और हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत है उसको रिमूव कर दिया गया है। डेविशन जर्मर प्रयोग को भी हटा दिया गया है, इसमें से अक्सर एक नंबर का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता था। 5वां एग्जाम्पल, 7वां एग्जाम्पल, 12, 13, 14 का एग्जाम्पल, 16वां एग्जाम्पल, 17वां एग्जाम्पल, 19 से लेकर के 37 तक के सारे एग्जाम्पल्स को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। साथ में परिशिष्ट नंबर 11.1 कण तरंग तथा कण के अंदर की जो कहानी दे रखी है वो भी आपको यहाँ से हटा दिया गया, यानी इनकी जो हिस्ट्री है, इतिहास जो है, वो भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 12 एटम परमाणु का जो है उसमें स्पेक्ट्रमी श्रेणी, हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल जिसमें एनवे कक्षक की त्रिज्या का व्यंजक बनाए रखा गया है और उसकी व्युत्पत्ति को यहाँ से हटाया गया है। क्लियर है, एनवे कक्षक के इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या होती है, कक्षक की जो त्रिज्या होती है उसको यहाँ पे रखाया गया है और बाकी उसका जो मैथमेटिकल प्रोसेस है उसको हटा दिया गया है। हाइड्रोजन परमाणु का लाइमन स्पेक्ट्रम केवल गुणात्मक अध्ययन को बनाए रखा गया, बाकी सारा पार्ट यहाँ से रिमूव कर दिया गया। एग्जाम्पल नंबर आपका जो 6 है, 3, 11 से लेकर के 17 तक के एग्जाम्पल्स को भी हटा दिया गया है। कुल मिलाकर के जो मैथमेटिकल पार्ट है, एग्जाम्पल्स जो है, न्यूमेरिकल्स जो है, उनको यहाँ से ज़्यादा रिमूव किया गया, बाकी जो फंडामेंटल प्रोसेस जो है वो पार्ट आपका अब भी सिलेबस में है। चैप्टर नंबर 13 नाभिक में रेडियो एक्टिव क्षेत्र का नियम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता था। अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा क्षय तीनों को यहाँ से हटा दिया गया है। नाभिकीय भट्टी यानी परमाणु भट्टी जो है उसको हटा दिया गया है। पहला, दूसरा, 6 से लेकर के 10 तक के टोटल 12, 13, 14, उसके बाद में 18 और उसके बाद में 22 से लेकर के 31 तक के जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में से हटा दिए गए हैं। लास्ट हमारा जो चैप्टर नंबर 14 होता है, जिसमें हम अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियां, सरल परिपथ, जो लॉजिक गेट वाला या सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर अपन कहते हैं, उसमें से विशिष्ट प्रयोजन पीएन संधि डायोड, यानी पीएन संधि डायोड के जो उपयोग होते हैं, जिन्हें अपन ऑप्टो इलेक्ट्रिक युक्तियां कहते हैं, जिसमें आपका सोलर सेल है, फोटो सेल है, एलईडी है, उन सबको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। और आपके लॉजिक गेट जो हैं,
उनको भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। और एग्जाम्पल नंबर 14 से लेकर के 7 से लेकर के 15 तक के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी यहाँ से हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के काफ़ी सारा पार्ट जो है वो आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए रिमूव कर दिया गया है। जो बच्चे अभी सिलेबस पढ़ चुके हैं, आप सभी से आपके जो फीडबैक हैं, आपके जो सुझाव हैं, वो यहाँ पे आमंत्रित हैं। आप कैसा फील कर रहे हैं इस पाठ्यक्रम को हटाने के बाद, और जो बोर्ड परीक्षा 2024 में बैठने वाले बच्चे हैं उन सभी के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। और पूरा सिलेबस जो है वो आप हमारे चैनल के ऊपर तैयार करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। कृपया अपना जो भी सुझाव है वो प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आपको हमारा ये वीडियो वैल्यूएबल, कीमती, महत्वपूर्ण लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल का जो लिंक है वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। 12th क्लास का पूरा सिलेबस, 56 नंबर का जो पेपर आपका पूछा जाता है, वो पूरा सिलेबस आपको हमारे चैनल के ऊपर हिंदी मीडियम के अंदर आसान भाषा में तैयार करवाया जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।